26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस उसे हिंसा के बाद से ही तलाश कर रही थी। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अब वो चंडीगढ़ से बरामद हुआ है, जिसके बाद अब उसे दिल्ली लाया जा रहा है। इसे मिलाकर इस हिंसा मामले में अब तक 126 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच को इनपुट मिले थे कि आरोपी सुखदेव की लोकेशन करनाल में है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने उसके घर छापा मारा, लेकिन वो वहां पहले से ही फरार हो गया था। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर उसे चंडीगढ़ ट्रेस किया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। बता दें, पिछले 75 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड रखी थी, लेकिन शांति से चल रही रैली में अचानक हिंसा शुरू हो गई और एक समूह लाल किले में ही घुस गया, जहां उन्होंने उपद्रव मचाया। और इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा तक फहरा दिया, जिसके लिए एसआईटी की टीम जांच कर रही है। और दिल्ली हिंसा में सुखदेव का भी नाम शामिल है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।